हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो गाइस, जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। तो जो हमारी इस समय सेमेस्टर में यानी हमारा जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो गाइस इसमें देखिए हमारी यूनिट कंटेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिलहाल बहुत ही ब्रॉड है। तो इस वीडियो में हम पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से हम जानने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो गाइस, मैंने क्या किया है कि जो AKTU का सिलेबस है, तो मैंने यूनिट वाइज, ठीक है, तो यूनिट वाइज मैंने ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। अभी मैं फर्स्ट यूनिट का पूरा पूरा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट यूनिट में जितने भी कंटेंट है ओवरऑल मैं आपको ब्रीफ में शॉर्ट में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको आपका टाइम वेस्ट ना हो इस लॉकडाउन के चक्कर में और आपके सारे कंटेंट सारी चीजें कवर हो पाए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम कुमार और चैनल का होस्ट। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है, तो अभी तक की तो सवाल ये होता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है। तो गाइस, जैसे कि आपको एक बार बता दूं कि इंजीनियरिंग क्या होती है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग क्या, इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी बंदा, ठीक है, जो भी पर्सन किसी भी नई चीज को फॉर्म कर सकता है, बिल्ड कर सकता है, क्रिएटिव आइडियाज है उसके पास, कुछ इंस्पेक्ट कर सकता है, कुछ क्रिएट कर सकता है, कुछ डिजाइन कर सकता है, बिल्ड कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंजीनियरिंग टॉपिक्स या इंजीनियर, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको पता है जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड पे हो, ठीक। अब उसी की बात करते हुए हम आते हैं किस पे, कंप्यूटर साइंस से समझ में। कंप्यूटर की फील्ड पे जो भी फ्रेमवर्क होता है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंडर में बहुत सारे भी आपके क्या होते हैं, सब पार्ट होते हैं। जैसे कोई डेवलपर होता है, कोई टेस्टर होता है, ठीक है, कोई हैकर होता है, कोई साइबर सिक्योरिटी यानी टेस्टिंग फेज में काम करता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है, यानी सबके अपने अलग अलग फेज होते हैं, ठीक। तो उसी में हमारा जो एक स्पेशलाइजेशन होता है, जो लोग हायर स्टडीज करते हैं, मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे एक सब्जेक्ट आता है कौन सा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो गाइस, इस वीडियो में पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फर्स्ट यूनिट को मैं कंप्लीट करने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। और पूरा लेक्चर हिंदी में होने वाला है, डोंट वरी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारी यूनिट्स मैं कवर करूंगा, इसलिए आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा बात आता है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट का पहला कंटेंट है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो गाइस ये तो पता चला कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग है, ये तो कंफर्म हो गया कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंजीनियरिंग है, बट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक तरीके की कि ऐसी इंजीनियरिंग है जहां पे हम एक सॉफ्टवेयर की रियल लाइफ को पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर के रियल लाइफ को हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करना है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर किस फ्रेमवर्क पे काम करता है, सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में क्या होता है, बैक एंड में क्या होता है, ठीक है। उसी के बाद हम बात करते हैं लेआउट की, लेयर्स की, ट्रैक्स की, बहुत सारी चीजें होती है सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो हम उसी की बात करने वाले हैं। तो बात आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो गाइस किसी भी एप्लीकेशन को, जब किसी भी एप्लीकेशन को .exe फॉर्म में, यानी किसी भी लैंग्वेज के द्वारा बिल्ड की गई चीज जब .exe फाइल में कन्वर्ट की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे आपके एप्लीकेशन हो गए, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन जब कोई भी चीज आपकी .exe में इंपोर्ट होती है तो वो क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑल्सो डिपेंड ऑन .exe फाइल, ठीक, इट इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अपने बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर की बात कर लेते हैं बेसिक तौर पर, सॉफ्टवेयर के कितने तरीके के होते हैं, बेसिकली नॉर्मली अगर हम जानते हैं तो बहुत टाइप के होते हैं, मेजर टाइप के, लेकिन उनके ब्रॉडली चार भागों में डिवाइड किया गया। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन उसके बाद फर्मवेयर हो गया, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, जो आपके सिस्टम में पहले से इनबिल्ड हो, प्री डिफाइन हो, पहले से अवेलेबल हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम क्या बोलते हैं, विंडो, यानी विंडो को ही हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाहर से आते हैं, यानी किसी भी यूजर को अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर, जो बाहर से उसको इंस्टॉल करता है अपने सिस्टम पे, वो सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे दो तरीके के होता है,
ठीक है, कौन कौन सा? पहला होता है आपका स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो होता है वो लाइसेंस एग्रीमेंट के बिहेव पे सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, वो एक सिस्टम पे एक टाइम पे एक बार ही चल सकते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, तो एंटीवायरस की लिमिट दी जाती है कि एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम पे पड़ेगा या तीन सिस्टम पे पड़ेगा, एक साल के लिए वैलिड है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। यानी किसी भी स्पेसिफिक एक टास्क को, एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कस्टमाइज पैकेजेस की। तो कस्टमाइज पैकेजेस देखिए, कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं, लेकिन कस्टमाइज पैकेज का मतलब ये होता है कि आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत उसके अंदर में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाते हैं। जैसे अगर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम बात करें, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, कोरल ड्रॉ हो गया, ठीक है, या फिर चलिए एमएस ऑफिस का ले लेते हैं। एमएस ऑफिस आप इंस्टॉल करते हैं, देखिए आपको एमएस वर्ड मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, ठीक है, डेटाबेस मिलता है, एक्सेल मिलता है, पिक्चर मैनेजर मिलता है, बहुत सारी चीजें, ये सब आप इंस्टॉल नहीं करते हैं। चाहते तो वर्ड का .exe वर्ड एक अलग से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे आप पीडीएफ के लिए एडोब रीडर यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ड आपने क्या किया, एमएस ऑफिस का एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, जिसके अंदर आपको सारे सॉफ्टवेयर अपने आप मिल गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कस्टमाइज्ड टाइप के सॉफ्टवेयर। अब गाइस फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर देखिए कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की, जहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में मर्ज किया जाता है, आपस को एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट कराया जाता है। जब वो आपस में दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो आपका सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, यानी स्टार्ट होने की कंडीशन पे आता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये हो गया किसी भी सॉफ्टवेयर के आगे पीछे या उसकी लाइफ में या उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, इस प्रॉब्लम को कैसे एग्जीक्यूट करना है या इस प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व करना है, ठीक, या किस सॉफ्टवेयर में कौन सा एल्गोरिदम लगा हुआ है, कैसे बनाया गया सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर कौन से फेजेस पे काम कर रहा है, किसने टाइप के फेजेस होते हैं, ये सब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो गाइस होता है क्या, इंट्रोडक्शन का मतलब यही हो गया कि एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के पूरी पूरी जानकारी, यानी एक सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसको कैसे बिल्ड करना है, वो कौन से टर्म कंडीशंस को फॉलो करता है, इस तरीके की जो जानकारी होती है वो आपका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो गाइस अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन 100% आता है इस तरीके के क्वेश्चन, और ये नाइलेट वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर के बिहेव पे जो भी चीजें पूछी जाती हैं, या जो भी एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं, जिसके बिहेव पे आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया, सारा क्या कहलाता है, एक इंट्रोडक्शन का एक पार्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस दूसरा आपका जो टॉपिक है यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में, ठीक है, अब पूछी जाती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है कि हम लोग सोचते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी क्या होंगी, बहुत परेशान होते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। तो गाइस देखो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको खाली पांच और बेसिक, और बेसिक पांच कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, ठीक है, जो आसानी से याद हो जाती है। पहला, सॉफ्टवेयर दिखने में अच्छा होना चाहिए, यानी उसका लुक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी एक ये भी मैटर करती है कि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उसका जो आपने लोगो बनाया, ठीक है, लोगो के साथ साथ उसका जो आपने इंटरफेस, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, इंटरफेस आपने डिजाइन किया, आपके सामने जो क्लाइंट बैठा हुआ है, जो अगला बंदा बैठा हुआ है, जो आपको पैसे दे रहा है उस चीज के लिए, उसको उसका ओवरव्यू पसंद ही नहीं आया, उसका लुक ही पसंद नहीं आया, तो वो क्यों उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाएगा, ठीक है। तो पहला कंटेंट क्या हो गया, उसका ओवरव्यू या उसका लुक बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बड़ी चीज, यानी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कोई सॉफ्टवेयर से जो बहुत टाइम कम लेते हैं, तो गाइस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो गाइस अभी तक तो खैर उसका लुक अच्छा हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी हो गई, प्रॉब्लम सही है, ठीक है, चलो। अब तीसरा जो आसानी से याद हो जाए आपको, ऐसा क्या है, तो गाइस आपको कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर जैसे आप एक दवा खरीदते हैं, जब आप दवा परचेज करते हैं तो उसमें भी एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, सेम हमारे सॉफ्टवेयर में होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं तो उस लॉन्चिंग के बाद एक वर्जन जनरेट होता है, ये सॉफ्टवेयर इस वर्जन का है, ठीक, उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि ये इस ईयर में इस टाइम पे लॉन्च किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, आपको ये याद रखना है। चौथा, आप जैसे हम एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं तो उसके लाइसेंस टर्म्स एग्रीमेंट्स होते हैं, ये इतने सालों के लिए आपने लिया है। कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेंट पे लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो आया, उसका फ्रेमवर्क और ट्रायल टेस्टिंग, यानी फ्रेमवर्क ट्रायल टेस्टिंग क्या होता है कि जैसे आपने किसी अपने सॉफ्टवेयर को,
जैसे कि अब हम बात करते हैं, ठीक है, एक्सपायरी डेट इन द सेंस, जैसे आपने एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया तो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए एक वैलिडेशन होता है उसकी वैलिडिटी, ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट उसमें मेंशन कर सकते हैं कि वैलिडिटी ऑफ सॉफ्टवेयर या वैलिडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, या इसकी एक सीरियल नंबर होता है, या उसका सीरियल की होता है, या प्रोडक्ट आईडी होता है, ये मेंशन करता है, ये एक तरीके का वैलिडेशन होता है, ठीक है। वैलिडेशन भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की प्रोसेस पे। अब अगला टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैसे करता है। तो गाइस देखो, जैसे हमारी मशीन प्रोसेस करती है, सिमिलरली हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस करता है। फर्स्ट क्या होता है उसके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को, यानी जो आप उसके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी सॉफ्टवेयर के पास, उसको वो एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद अपने एल्गोरिथम में, अपने प्रोग्राम में चेक करता है कि ऐसी कोई फाइल उसके सिस्टम पे है, वो इस आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को वो क्या वर्क करा सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अपने सिस्टम पे जाके, अपने प्रोग्राम में जाके, अपने एल्गोरिथम में जाके उस चीज को पूरा पूरा चेक करता है। अगर उसके प्रोग्राम में ऐसी कोई फाइल या ऐसा कोई प्रोग्राम राइटेड डाउन होता है, तो वो क्या करता है, आपके दिए गए निर्देशों को, आपके द्वारा भेजे गए रिक्वेस्ट को, ठीक है, आपके द्वारा दिए गए कमांड को एक्सेप्ट करके उस पर परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उसको इनपुट देते हैं, वो इनपुट अपने एल्गोरिथम में, अपने प्रोग्राम में चेक करता है। चेक करने के बाद अगर वो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कराता है उस प्रोग्राम को, आपके द्वारा दिए गए इनपुट को, तो उसको टेक करके फटाफट प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट देता है विद एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, स॑ॉफ्टवेयर कैरिसेस, ठीक है, CRISES, स॑ॉफ्टवेयर कैरिसेस क्या होता है, ठीक। तो ये बहुत ही अजीब सा वर्ड लग रहा है, कैरिसेस होता है क्या है, ठीक है। तो देखो, कैरिसेस की अगर हम बात करें, तो जैसे भी मैंने बोला कि एक लास्ट टॉपिक जो आपको बताया कौन सा था, प्रोसेस, ठीक है। तो कैरिसेस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक प्रोग्राम है, ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं, कुछ बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, या कुछ अमेजिंग टाइप का बना रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा कोड भी छोटा है और हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा बने। तो गाइज इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि कम टाइम में, कम कोड में आप बहुत अच्छा आउटपुट पाना चाहते हैं। तो गाइज ऐसे एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमको प्रोग्राम लिखने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत बार हमारा प्रोग्राम क्या करता है, फेल कर जाता है, ठीक है, बहुत बार टेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत बार रीएडिट करना पड़ता है। तो ये जो कंटेंट है आपका क्या कहलाता है, कैरिसेस, ओके, ठीक है। जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम जब बार बार उसी चीज को लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते, बार बार एडिट करना, बार बार उसको करना, तो ये जो एक तरीके का इन्वायरमेंट हो जाता है कि एक डेवलपर है, उसने कुछ डिजाइन किया, अगले के सामने रखा, अगले को पसंद नहीं आया, फिर चेंज किया, फिर रखा, फिर पसंद नहीं आया, तो वो इरिटेट हो जाता है। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सिखाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब यही है। अब अगली हम बात करते हैं कि सिमिलर इंजीनियरिंग और कन्वेंशन इंजीनियरिंग। जी हाँ, तो सिमिलर इंजीनियरिंग का मतलब यह होता है कि जो इंजीनियरिंग, देखिए कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे बात हो रही है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात हो रही है, तो गाइस मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी सॉरी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मतलब ये तो बखूबी समझ में आ गया भैया कि कंप्यूटर साइंस पे ही सब कुछ है, कंप्यूटर की ही बात हो रही है। यानी जो भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, जो भी डिजाइन करेंगे, वो कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर ही डिजाइन करेंगे, वेबसाइट डिजाइन करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, यानी कुल मिला के ओवरऑल क्या होगा, वो SOFT, यानी सब कुछ ओवरऑल सॉफ्ट होने वाला है। समझ में आया कहने का मतलब, यानी जो भी हम डिजाइन करेंगे वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन बताया आपको, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एक तरीके एक पार्ट होता है आपके कंप्यूटर का, जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर उस चीज को टेक करता है, इनपुट को प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे देता है। यानी हम ऐसी चीज बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, यानी सॉफ्ट टाइप की हम कोई भी चीज बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दें, मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर दें, ये हमारा हो गया सिमिलर इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी इंजीनियरिंग, ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कन्वेंशन इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। इसे हम बाइक की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, कार की बात करें, तो वहां पे जो सेंसर्स होते हैं उसमें भी प्रोग्रामिंग की जाती है। वो कौन करता है, हम लोग ही करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर वाले ही करते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का और भी अदर बंदे जुड़े होते हैं, ठीक। तो जो मेन क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, मैकेनिकल वाले बंदे को, मैकेनिकल वाले बंदे ने इसको डिजाइन किया है, हमारा काम केवल प्रोग्राम तक होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, यानी इस टाइप की जो भी कार, बाइसिकल, बस, वाहन, इन सब में जो भी चीजें, जो देखो बनाया तो मैकेनिकल वालों ने, हमने खाली कोड किया है, इसलिए पूरा क्रेडिट किसको मिलता है, मैकेनिकल वालों का, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, ठीक है।
अब अगला टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक, तो गाइस सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जैसे अभी हम कैरेक्टर सिक्स की बात कर चुके हैं, सेम यहाँ पे बात आती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की। तो गाइस आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कि क्या होना चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में कि आपकी मार्केट में डिमांड बढ़े आपके सॉफ्टवेयर की, सब बात कर लेते हैं फटाफट। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी में होता क्या है कि सबसे पहले आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चार लोगों से परिचित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो ट्रेंड पे चीजें चल रही हैं, कहने का मतलब है कि अगर अभी हम इस करंट की हम बात करें तो जो आरोग्य सेतु करके भी जो मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना के चक्कर में आया है, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन अभी आप सब लोग जानते हैं कि बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसी तरह की क्या मान लीजिए अभी ट्रेंड पे जो भी चीज, जैसे ऑनलाइन लेक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने कोई एक ऐसा एप्लीकेशन डिजाइन कर दिया, कोई ऐसा एप्लीकेशन बना दिया तो कोई भी पर्सन इजिली ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड कर सकता है। तो मतलब कोई भी ऐसा एक एप्लीकेशन जो चार लोगों को पहले आप एडवर्टाइज कर चुके हो, पहली क्वालिटी ये होती है कि आपका वो एप्लीकेशन चार जगह सर्वाइव कर चुका हो। लेकिन हाँ, आप उसे होस्ट नहीं कर सकते, पहले आप उस सॉफ्टवेयर की क्या करेंगे, एक तरीके की ब्रांडिंग करेंगे। ठीक है, चार लोग के सामने उसको एडवर्टाइज करेंगे, जब चार लोग देखेंगे अपने अपने रिव्यूज शेयर करेंगे कि अच्छा है, बेकार है, कैसा है, कैसा नहीं है, उसके बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद तब आप उसको होस्ट करते हैं। यानी जैसे कि हम कोई कंपनी है, हमने एक बिस्किट खोला, ठीक है, बिस्किट की कंपनी खोली, बिस्किट को हमने लॉन्च कर दिया। अब मार्केट में बिका नहीं बिका, भाई अगर नहीं बिका तो हमारा सामान खराब हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले कुछ थोड़े से पीसेस बनाते हैं, फिर उसको बेच के देखते हैं, बिक गया तब हम और पीसेस का ऑर्डर देते हैं। सेम यहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिटी में दूसरे कंटेंट की, आपके जो सॉफ्टवेयर का साइज है, तो कोशिश ये करिएगा कि सॉफ्टवेयर के साइज को कम करिएगा, ताकि और ये मैक और विंडोज यानी बोथ यानी दोनों के लिए ये एप्लीकेबल हो, कि दोनों पे इजिली इंस्टॉल हो सके। ऐसी डिजाइनिंग करिएगा साइज कम हो, ठीक है, और विंडोज पे इजिली ये काम कर सके। ठीक है, तीसरी क्वालिटी ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड, यानी उसका जो ओवरलुक है, उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो फ्रंट एंड है, आप उस यूजर जो भी होगा उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला, उसको इजिली चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो गई आपकी क्वालिटीज। ठीक, अब हम चौथा बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के जो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इन द सेंस सॉफ्टवेयर का एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो SDLC है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये होता क्या है फटाफट जान लेते हैं। देखिए एट्रीब्यूट और SDLC को हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया, तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले देखिए ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपको पेपर में यही सब लिखना होगा। ठीक है, पॉइंट ये रहेगा कि आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, तो डिजाइन कैसे, हवा में थोड़ी डिजाइन करेंगे, मन आया हाँ बैठे हुए फ्री है वो तो डिजाइन कर दे, नहीं। आप क्या करते हैं, आपका जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट बताता है कि भैया मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे ये चीजें, पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट चाहिए, ये हिस्सा चाहिए, उसमें ये कंटेंट डालना है, ये यहाँ फोटो ऐसे शो होगी। यानी हम पहले किसी और के आइडिया को लेते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट क्या आपका पॉइंट मिल गया, टेक रिव्यू, ठीक है, या पॉइंट ऑफ व्यू बाय द क्लाइंट, क्लाइंट के द्वारा दिए गए पॉइंटों को आप नोट करते हैं, राइट करते हैं, फर्स्ट कंटेंट हो गया। ठीक है, सेकंड लाइफ साइकिल इसको हम बोलते हैं रिटन। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट, यानी इसका जो पहले जो आपकी हेडिंग बनेगी उसका मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन। आप यहाँ पे बना सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन, पहली हेडिंग होगी जिसके अंदर हम क्लाइंट से हम बात करते हैं नॉर्मल भाषा में, कोड नहीं लिखते हैं, नॉर्मल से उसकी भाषा में जो इजिली दोनों लोग अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, उस भाषा में उस एल्गोरिथम, उस सॉफ्टवेयर के फ्रेमवर्क को हम लिखते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, यही होगा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आती है बात एल्गोरिथम की। ठीक है, फिर हम उसका एक नॉर्मल सा एक प्रोमो टाइप का एक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद उसको दिखाते हैं। ठीक है, किसे दिखाते हैं, अपने क्लाइंट को, ताकि उसको इजीली समझ में आए कि भाई देखो ये हमने डिजाइन किया है, ऐसे ऐसे डिजाइन किया है, आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, जो उसको पसंद आता है वो उठा के हम कॉपी कर देते हैं, वहां पे रख देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एल्गोरिथम हो गया, अब बात आ गई है डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट में क्या होगा भाई, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो डेवलपमेंट होना ही होना है। तो हमने डेवलपमेंट किया कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हमने प्रोग्राम को डेवलप किया। अभी सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप हुआ, अभी केवल प्रोग्राम डेवलप हुआ। प्रोग्राम डेवलप होने के बाद उसको हमने लोकली सिस्टम में होस्ट करके हमने क्लाइंट के सिस्टम पे डाल दिया। ठीक है, क्लाइंट को हमने दे दिया, हमने कहा सर आप एक बार यूज करके देख लीजिए, आपको जहां पे भी कमी नजर आ रही है, जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, आप मुझे बता दीजिए, मैं चेंज कर दूंगा। तो उसने कुछ चीजें बताई, कुछ मुझे चेंज लगी, मैंने चेंज कर दी उसके उसके कहने।
तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे ही हो गए, ठीक है, कुछ क्लाइंट के तरफ से हुए, कुछ मेरी तरफ से हुए। अब चेंजेस करने के बाद बात आती है क्या, ठीक हमने तो ये चेंज कर लिया, अब दिखने में अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक। फिर फटाफट अब क्या हुआ कि देखो मैंने यूज किया, मेरे से हो गया, ठीक है, उस टाइम पे आपका प्रोग्राम रन कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ एरर आना शुरू हुई। तो अब हम क्या करते हैं कि उसकी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। पहला साइकिल क्या हो गया, पहला आपका जो पॉइंट था डॉक्यूमेंटेशन हो गया, दूसरा क्या हो गया राइट द एल्गोरिथम, तीसरा क्या हो गया डेवलपमेंट किट यानी डेवलपमेंट प्रो किट बाय द प्रोग्राम या कोडर बोल सकते हैं, जैसा कोड करके डेवलप किया। चौथा फेज हो गया आपका कौन सा, टेस्टिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को लेते हैं या उस प्रोग्राम को लेते हैं या उस फाइल को लेते हैं, हम फटाफट टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, और वो टेस्टिंग होती रहती है, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, एरर्स आती है, उनको फाइंड करके रिजॉल्व करते हैं, फाइंड करके रिजॉल्व करते हैं, फाइंड करके रिजॉल्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग होने के बाद जब फाइनली वो सर्टिफाइड हो जाता है, लगता है कि नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्लाइंट के कहने के बाद हम उसको होस्ट कर देते हैं, उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में, ठीक है। तो उसके बाद अब आती है बात होस्टिंग की, पांचवा टॉपिक, उसके बाद आती है होस्टिंग। इसी में आप ज्वाइन कर सकते हैं होस्टिंग और शेयरिंग, ठीक है। हमने होस्ट कर दिया, होस्ट करने के बाद मार्केट में तो वो चला गया, फिर उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, अपडेटेशन और मॉडिफिकेशन। अगला पॉइंट आता है सिक्स, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, लाइफ साइकिल, यानी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, हमने एक दूसरे से बात की, सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एक लाइफ साइकिल का मतलब, एक सॉफ्टवेयर बनने से पहले एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, फिर आप वो चीजों को नोट करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर दिखाते हैं कंटेंट अपने क्लाइंट को, फिर वो टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद उसको डेवलप करके मार्केट में होस्ट कर देते हैं। ये होती है आपकी एक सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आपको समझ में आ गया होगा इसलिए, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वाटरफॉल, ठीक है। तो वाटरफॉल होता क्या है, देखो जैसे कि आपने टेंस पढ़ा होगा, ठीक है, टी से टेंस, फिर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस, फिर नीचे आगे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसा करके बहुत सारे है ना, सबके अपने अपने रहते हैं, यानी एक कड़ी से सारी कड़ियां जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो सेम चीज आपके वाटरफॉल में होती है, ये क्या होता है, प्रीडिफाइंड होते हैं, ठीक है, ये कुछ प्रीडिफाइंड फ्रेजेस होते हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। मतलब वाटरफॉल अगर हम बोला जाए, ठीक है, ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं अपने, चलिए हम बात करते हैं, चलो हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं। आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किस पे निर्भर करता है, मोबाइल में आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे, अगर मोबाइल का आपका OS ही ना रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर पड़ता है वो ना रहे, तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आपका मोबाइल एप्लीकेशन किस पर निर्भर है, आपके OS पे, और OS पे जो वर्क कर रहा है वह OS को कैपेबल बनाया गया ना, किसके लायक बनाया गया, कि सारी एप्लीकेशन को इजिली इंस्टॉल कर सके, समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला जो हमारा टाइप है मॉडल, देखिए वाटरफॉल मॉडल आपको बता दिया है, अगला जो हमारा है प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल में देखिए होता क्या है कि एक तरीके का एक सराउंड होता है, एक तरीके का घेरा होता है, ठीक है, कुछ एक ट्रैक्स होती हैं, जैसे आपने डिस्क, अगर किसी ने कॉम्पैक्ट डिस्क को ब्रॉडली पढ़ा होगा, स्पिंडल वगैरह पढ़ा होगा किसी ने, तो उसको पता होगा, खैर हम बता देते हैं आपको, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल में होता क्या है कि एक सेंटर होता है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक, वहां पे आपका एक सेंटर होता है, ओरिजिन होता है। तो उस ओरिजिन पे क्या होता है कि आपके कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में SPDF है ना, तो कुछ गोल गोल से होती है ना, ठीक है, सेम ऐसे ही सेक्टर बटे होते हैं, लेकिन क्या होता है, हर सेक्टर एक दूसरे से डिफरेंट होता है प्रोटोटाइप में, लेकिन ये काम एक दूसरे के साथ में ही करते हैं, डिफरेंट होते हैं लेकिन काम एक दूसरे के साथ में ही करते हैं, इनकी ट्रैक्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, डायरेक्शन डिफरेंट होती हैं, लेकिन काम एक साथ करती हैं। इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं क्या, प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल, ओके। अब अगला जो है स्पाइरल मॉडल, ठीक, स्पाइरल मॉडल क्या होता है, ये भी सेम ऐसे ही काम करता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे रिस्क होते हैं, ये बेसिकली डिजाइन किया जाता है कुछ रेयर चीजों को बनाने के लिए, ठीक है, इसमें बहुत सारे पैटर्न का यूज किया जाता है स्पाइरल मॉडल में, ये भी सेम सर्कल के तरीके होते हैं, लेकिन इसमें अगर एक डायरेक्शन राइट से शुरू हुई तो अगली डायरेक्शन का कंपलसरी नहीं होता कि वो राइट से ही शुरू हो, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, स्पाइरल मॉडल, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं इवोल्यूटिंग मॉडल, यानी इटरेटिव एनहांस मॉडल। अब ये होता क्या है कि सिंपल एक तरीके का आपका मॉडल होता है, जहां पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इजिली, मतलब छोटे छोटे जो
पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के जो पार्ट होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का छोटा सा पार्ट बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, इनहेंस कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट बनाते हैं, ठीक है, जो बेसिक स्टार्टिंग होती है उसको इनहेंस मॉडल बोलते हैं। तो गाइस उम्मीद करूंगा कि आपको पूरे सारा लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप वीडियो के कमेंट में, वीडियो को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो गाइस आपकी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट में। तो गाइस तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।